दोस्तों आप जब अपना वोटर कार्ड का फोटो न्यू अपडेट करना चाहते हो, अपना जो वोटर कार्ड का फोटो चेंज करना चाहते हो, तो दोस्तों आप 2 से 3 मिनट के अंदर जो अपना फोटो का जो चेंज कर सकते हो। दोस्तों आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, खुद अपने घर बैठे अपना मोबाइल फोन में दोस्तों कर सकते हो, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों कैसे करेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप जो अपना वोटर आईडी कार्ड का फोटो चेंज करेंगे दोस्तों, वो एप्लीकेशन के जरिए से दोस्तों करेंगे। दोस्तों एप्लीकेशन का नेम होता है वोटर हेल्पलाइन। तो दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आपके पास है तो दोस्तों आप वोटर हेल्पलाइन ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे दोस्तों वोटर हेल्पलाइन जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने का दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारा जो ऑप्शन दिखता होगा जो एप्लीकेशन का, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है वोटर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर दिखता होगा वोटर रजिस्ट्रेशन, दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर ही बहुत सारा ऑप्शन दिखता होगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ आना है करेक्शन ऑफ फॉर्म 8 पे दोस्तों आप आना है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा फॉर्म है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर उस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर लेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पूछ रहा है ये आपका वोटर आई डी कार्ड है, तो यस करेंगे तो यस करेंगे दोस्तों आपको नो है तो यहाँ पर नो पे क्लिक करके वहाँ पर डिटेल्स देके अपना वोटर आई डी कार्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका वोटर आई डी कार्ड है तो दोस्तों यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो वोटर आई डी कार्ड नंबर डालेंगे फर्स्ट, दोस्तों आपको अपना वोटर आई डी कार्ड नंबर डालेंगे। दोस्तों वोटर आई डी कार्ड नंबर डालेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपना स्टेट जो है सिलेक्ट कर देंगे। स्टेट सिलेक्ट करने का दोस्तों आपको जो है दोस्तों अपना स्टेट सिलेक्ट कर फिर डिटेल्स पे दोस्तों क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप आपको आ जाएगा, तो इसका दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो डिटेल्स पूरा अपना वोटर आई डी का डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, तो नेक्स्ट पे दोस्तों क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो आधार नंबर डाल देंगे। दोस्तों आधार नंबर डालने का दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर डालने का जीमेल आईडी सब दोस्तों छोड़ सकते हो, रिलेटिव मोबाइल नंबर है सब। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पे दोस्तों क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिखता है। दोस्तों फर्स्ट है सिटी में आप रेडी रेसिडेंस, आप अपना कहीं जो अलग जगह को ट्रांसफर करना चाहते हो वोटर आई डी कार्ड, अपना एड्रेस चेंज यहाँ पर कर सकते हो, सिटी में कर सकते हो अलग देश की। इसके दोस्तों यहाँ पर करेक्शन है, तो करेक्शन में दोस्तों हमको 2nd ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों 3rd ऑप्शन में है जो इशू रिप्लेसमेंट, अपना जो भी वोटर आई डी कार्ड रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, नया ऑर्डर करना चाहते हो, यहाँ से करोगे। इसके दोस्तों आपको 4th में है रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग अस पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी रहेगा उसके लिए मैंने यहाँ पर आप कर सकते हो। तो हमें अपना करेक्शन करेंगे, फोटो चेंज करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 2nd ऑप्शन में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए सब चेंज करने का, दोस्तों यहाँ पर जेंडर नेम या अपना डेट ऑफ बर्थ, दोस्तों आपको अपना यहाँ पर नेम जेंडर या डेट ऑफ बर्थ या रिलेशन टाइप या रिलेशन नेम एड्रेस मोबाइल नंबर फोटो, दोस्तों आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। दोस्तों आप जो है यहाँ पर एक साथ में सब कुछ नहीं कर सकते हो, एक साथ में 4 कर सकते हो, 4 करेक्शन। तो हम सिर्फ अपना अगर फोटो चेंज करेंगे तो इसके लिए फोटो पे क्लिक करके इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों हमारा जो फोटो अपलोड करना है, तो हमसे जो है हमारा फोटो दोस्तों हम अपलोड करेंगे। दोस्तों हम जो है हमारा फोटो यहाँ पर अपलोड करें तो क्लिक करके यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट पे दोस्तों क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पर आपको हमको हमारा जो प्लेस हमको जो डालना है अपना, तो अपना प्लेस डाल के दोस्तों इसका डन पे क्लिक करेंगे। इसका दोस्तों आपको एक बार देख लेना है, इसके बाद कॉन्फर्म पे दोस्तों क्लिक करना है। कॉन्फर्म पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको रेफरेंस नंबर मिले और रेफरेंस नंबर आपको जो सेव करके रखना है। तो रेफरेंस नंबर रखेंगे तो आप जो है दोबारा अपना जो स्टेटस चेक करके देख सकते हैं अपना जो फोटो चेंज किया चेंज हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पर अपना कंप्लीट हुआ या अपना जो है डिस्क्राइब हो गया कि कुछ हो गया, तो यहाँ पर आप जो है आप चेक करके देख सकते हो। तो दोस्तों आप भी अपना जो रेफरेंस नंबर रख लेंगे, इसके बाद आप जो 5-6 दिन करके 10 दिन के बाद आप जो चेक करके देखते रहोगे अपना जो स्टेटस जो फोटो चेंज किया कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं।